भारत 15 अगस्त 2024 को 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी कर रहा है। इस दिन लोग अपने घरों, समाजों, स्कूलों और अन्य स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर अपनी देशभक्ति का प्रदर्शन करते हैं। मगर लोग भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के विकास के बारे में अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज, जिसे बोलचाल की भाषा में तिरंगा कहा जाता है, एक क्षैतिज आयताकार तिरंगा झंडा है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में तीन रंग है, केसरिया, सफेद और हरा। इसके केंद्र में नेवी ब्लू रंग का 24 स्पॉक वाला पहिया है, जिसे अशोक चक्र कहा जाता है। भारतीय संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया और 15 अगस्त 1947 को यह भारत संघ का आधिकारिक ध्वज बन गया। इस ध्वज को भारत गणराज्य के ध्वज के रूप में बरकरार रखा गया। भारत में शब्द तिरंगा हमेशा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को संदर्भित करता है। तिरंगा मुख्य रूप से स्वराज ध्वज पर आधारित है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज है, जिसे पिंगली वेंकैया द्वारा प्रस्तावित डिजाइन में महत्वपूर्ण संशोधन करने के बाद महात्मा गांधी द्वारा अपनाया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में राष्ट्रीय ध्वज में चरखे की जगह चक्र को शामिल किया। शुरुआत में राष्ट्रीय ध्वज खादी से बना था, जो एक विशेष प्रकार का हाथ से बुना हुआ कपड़ा था या रेशम था, जिसे महात्मा गांधी द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। हालांकि 2021 में संशोधन के बाद पॉलिस्टर या मशीन से बने झंडों की अनुमति दी गई है। नए नियमों ने लोगों को हाथ से काटे गए, हाथ से बुने हुए या मशीन से बुने सूती, पॉलिस्टर, ऊन, रेशम, खादी, बंटिंग से तिरंगा बनाने की अनुमति दी। भारतीय मानक ब्यूरो ने राष्ट्रीय ध्वज के लिए सभी विनिर्माण प्रक्रियाओं और विशिष्टताओं को साझा किया है। विनिर्माण अधिकारी खादी विकास और ग्रामोद्योग आयोग के पास है, जो उन्हें क्षेत्रीय समूह को आवंटित करता है। भारत में राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण के लिए केवल 4 इकाइयों को लाइसेंस हासिल है। भारतीय ध्वज संहिता ध्वज के सभी उपयोग को नियंत्रित करती है और स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय दिनों को छोड़कर निजी नागरिकों द्वारा ध्वज के उपयोग पर रोक लगाती है। साल 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को निजी नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग करने की अनुमति देने वाली संहिता में संशोधन करने का निर्देश दिया। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सीमित उपयोग की अनुमति देते हुए कानून में और संशोधन किए गए। 2005 में इसे और संशोधित किया गया, जिसे कुछ प्रकार के कपड़ों पर अनुकूलन सहित कुछ अतिरिक्त उपयोग की अनुमति दी गई। ध्वज संहिता अन्य राष्ट्रीय और गैर राष्ट्रीय झंडों के साथ ध्वज को फहराने के प्रोटोकॉल को नियंत्रित करती है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में वर्तमान स्वरूप लेने से पहले कई बदलाव हुए हैं। nowindia.gov.in के अनुसार पहला राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता, अब कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर ग्रीन पार्क में फहराया गया था। मैडम कामा और उनके निर्वासित क्रांतिकारियों के दल ने 1907 में दूसरी बार झंडा फहराया। यह राष्ट्रीय ध्वज के समान था, लेकिन कमल की जगह सप्तऋषि को दर्शाने वाले सितारों ने ले ली। 1917 में डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक द्वारा तीसरी बार झंडा फहराया गया। यह राष्ट्रीय ध्वज पिछले दो से बहुत अलग था, क्योंकि इसमें लाल और हरी क्षैतिज पट्टियां, सप्तऋषि विन्यास से 7 सितारे, एक सफेद अर्धचंद्र और सितारा और यूनियन जैक है। चौथा झंडा 1921 में फहराया गया था, जिसे आंध्र के युवाओं ने तैयार किया था, जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सत्र के दौरान इसे महात्मा गांधी के पास ले गए थे। इसमें लाल और हरा रंग भारत में हिंदू और मुस्लिम समुदायों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
महात्मा गांधी ने शेष समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक सफेद पट्टी और एक चरखा जोड़ा, जो राष्ट्रीय विकास का प्रतीक है। वर्तमान ध्वज को 1931 में अपनाया गया था और इसका उपयोग भारतीय राष्ट्रीय सेना के युद्ध ध्वज में किया गया था। वह क्षण जब राष्ट्रीय ध्वज को अपनाने का प्रस्ताव पारित किया गया विशेष महत्व रखता है। इसमें केसरिया, सफेद और हरे रंग की पट्टियां और बीच में गांधी जी का चरखा है। बाद में जब भारत को आजादी मिली तो हमारे झंडे का रंग वही रहा, लेकिन गांधी के चरखे की जगह सम्राट अशोक के धर्म चरखे ने ले ली। जनता दरबार की तरफ से आप सभी देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं।